एपिसोड 3 के लास्ट में हमने देखा था कि यूरी जब कैफे के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारा खून देखकर पैनिक करने लगती है। तभी किम जंग आकर उसकी आंखें ढक देता है और कहता है कि अपनी आंखें बंद रखो। फिर वो यूरी को उठाकर अपने घर लेकर जाता है। यूरी अब भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और किम जंग उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस कैफे पे आई हुई है और ये पता चलता है कि किसी ने किम जंग के डॉग का कैफे में ही मर्डर कर दिया था और जिसने भी ऐसा किया था उसने कैफे और बिल्डिंग के सारे कैमरास तोड़ दिए थे। यूरी रात में किम जंग के घर पे ही सोई थी और सुबह जब किम जंग उठा तो यूरी को सोता देख बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। यूरी जब सोकर उठी तो देखती है कि किम जंग ने उसके लिए एक ट्रैक सूट और एक नोट छोड़ा हुआ था जिसपे उसने लिखा था कि वो कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा है और यूरी से वहीं रुककर आराम करने को कहा था। यूरी वही ट्रैक सूट पहन के कैफे जाकर वहाँ की सिचुएशन देख रही थी। वॉल पे एक बड़ा सा होल था जिससे शायद अटैकर घुसा था। यूरी को याद आता है कि रात में उसने उसी होल में से एक बच्ची को देखा था, पर यूरी इसे अपना वहम मान लेती है। फिर वहाँ यूरी के एम्प्लॉयज और पड़ोसी भी आ जाते हैं। यूरी का एक एम्प्लॉय उस होल के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक डॉल दिखती है। वो लाकर उस डॉल को यूरी को दे देता है। यूरी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है डॉल को देखकर कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तभी किम जंग वहाँ आता है और यूरी पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें ऊपर आराम करने को बोला था तो तुम यहाँ क्यों आ गई। फिर कहता है कि जब तक वो अटैकर पकड़ा नहीं जाता तुम मेरे घर में रहना। यूरी कहती है तुम तो कहते थे कि लड़का और लड़की एक घर में नहीं रह सकते, तो अब क्या हो गया। इस पे किम जंग कहता है हम दोनों फैमिली की तरह है, भाई बहन की तरह। ये सुनकर यूरी गुस्से में चिल्लाने लग जाती है कि ठीक है हम फैमिली है ना, फिर एक साथ एक बेड पे सोएंगे भी। तभी उसे कोई पीछे से मारता है, वो उसकी मॉम थी। यूरी की मॉम उसे बहुत डांटने लगती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम ये सब बोल रही हो। यूरी फिर बताती है कि उसकी मॉम ने 15 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी जब वो कॉलेज में थी। उसके स्टेप डैड अच्छे इंसान थे पर यूरी को उनके साथ थोड़ा ऑकवर्ड सा ही लगता था। फिर हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं जहां पुलिस वाला किम जंग और यूरी से कहता है कि उसके हिसाब से ये कोई रैंडम अटैक या चोर का काम नहीं था, ये एक तरह से कोई वार्निंग देना चाह रहा था। दूसरी तरफ हम दोहान के सीईओ मिस्टर ली को देखते हैं जो अपने आदमी पे हंस रहा था कि इसने एक कुत्ते को मार दिया। वो आदमी उसे बताता है कि उनके वेयर हाउस जिसमें कुछ सालों पहले आग लगने से उनके एक कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हुई थी वो यूरी के डैड थे। ये सुनकर मिस्टर ली सार्कास्टिकली कहता है कि मैं अच्छा आदमी तो नहीं हूँ पर पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद यूरी बहुत गुस्से में थी। उसे पूरा यकीन था कि दोहान कंस्ट्रक्शन ने उसे डराने के लिए एक इनोसेंट से जानवर का मर्डर कर दिया। अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो यूरी के पास आया था। दोनों वॉक पे जाते हैं और यूरी उसे बताती है कि जब उसने कैफे लिया था तो उसे रियल्टर ने बताया था कि पुराने ओनर को वहाँ भूतों का एक्सपीरियंस होता था। उसे तो इन सब पे भरोसा नहीं था पर जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उसने एक बच्ची को देखा। वो श्योर तो नहीं पर उसे लग रहा था कि वो भूत थी। बताने के बीच में यूरी अचानक से पार्क को डराती है जिससे वो एकदम जोर से डर जाता है। पार्क पूछता है कि तुम तो उस बच्ची को देखकर डर गई होगी, तो यूरी कहती है कि उसे ऐसा फील हुआ कि वो बच्ची उसे देखकर ज्यादा डर गई थी। यूरी घर आती है तो किम जंग भी वहीं बिस्तर लगाए हुए था क्योंकि वो यूरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों बैठे थे तभी टीवी पर दिखाते हैं कि किम जंग के डैड को चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया था। ये देखकर किम जंग टीवी बंद कर देता है। किम जंग बहुत समय से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में नहीं था तो यूरी उसे समझाती है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। किम जंग उसकी बात को इग्नोर करता है तो यूरी गुस्से में उठती है और उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। वो दर्द से चिल्ला उठती है तो किम जंग उसे गोद में उठाकर सोफे पे बिठाता है। यूरी उस पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम बार बार मुझे उठा क्यों लेते हो, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। अगले दिन यूरी अपने कैफे में काम कर रही थी तो एक लेडी अपनी बेटी के साथ आती है लीगल एडवाइस लेने।
ये लेडी अपने पड़ोसी के अगेंस्ट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाहती थी और इस टॉपिक पे वो यूरी की एडवाइस चाहती थी। इस लेडी का कहना था कि उसके घर के बगल में एक आदमी रहता है जो उसे स्टॉक कर रहा था, हर वक्त उसे देखता रहता था। वो घर से कहीं निकलती थी तो उसकी और उसकी बेटी की फोटोज लेता था। इस लेडी को शक था कि उसका हस्बैंड इस आदमी को हायर किए हुए था उस पे नजर रखने के लिए, क्योंकि वो लोग डिवोर्स के प्रोसेस में थे। वो कहती है कि ऐसा 2 साल से चल रहा है। वो बहुत परेशान थी और जानना चाहती थी कि उस आदमी को अपने घर से निकलवाया जा सकता था क्या। दूसरी तरफ हम किम जंग को देखते हैं जो कैफे के बाहर यूरी के ही एक एम्प्लॉई से बातें कर रहा था। तभी उसे फील होता है कि कोई झाड़ियों में से उन्हें देख रहा था। वो दौड़ कर जाता है और उस आदमी को पकड़ता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। पता चलता है कि ये आदमी यूरी से मिलने आया था। किम जंग को उस पे विश्वास नहीं हो रहा था तो यूरी उसे शांत रहने का इशारा करती है। यूरी फिर उस आदमी से पूछती है कि उसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए क्या। तो वो आदमी कहता है कि जो लेडी अपनी बेटी के साथ आई थी वो मुझे स्टॉकर बता रही होगी, पर वो झूठ बोल रही थी। यूरी को उस लेडी की याद आती है, फिर वो पूछती है कि तुम स्टॉकर नहीं हो तो तुम उसके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गए। वो आदमी कहता है कि मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था, बस उस पे नजर रखे हुए था क्योंकि वो बहुत सस्पिशियस है। वो आदमी कहता है कि उस लेडी के घर से बहुत बुरा स्मेल आता था, तो एक बार वो कंप्लेन करने गया तो देखा कि वहाँ एक और बच्ची है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि किसी ने कभी उस बच्ची को बाहर नहीं देखा था। वो लेडी उसे बाहर जाने ही नहीं देती है और इसलिए पता करने के लिए वो उस पे नजर रखे हुए है। किम जंग उससे पूछता है कि उसके पास इस बात का कोई सबूत है क्या। तो वो आदमी उस बच्ची की कुछ पिक्चर्स दिखाकर बताता है कि ये बच्ची दिन भर घर में बंद रहती है और रात में अकेली इधर उधर घूमती रहती है। यूरी बाद में अकेले उस पिक्चर को देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि उस बच्ची ने जिस डॉल को पकड़ा हुआ है वो वही डॉल है जो होल के उस पार से मिला था। वो समझ जाती है कि उसने इसी बच्ची को उस रात देखा था। यूरी किम जंग और उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सीसीटीवी फुटेज देखती है। किम जंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तो यूरी उसे बताती है कि ये बच्ची हमारी बिल्डिंग में आती जाती रहती है और उसने उस रात भी उसे देखा था। इस आदमी ने उस लेडी के अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज का केस भी दर्ज कराया हुआ था। तो यूरी दूसरे पुलिस वाले से उस केस के बारे में पूछती है। पुलिस वाला कहता है कि वो चेक करने गया था, घर गंदा था पर अब्यूज जैसा कुछ नहीं लगा, कोई इंजरी कोई वैसा कुछ नहीं था। ये सुन यूरी गुस्सा करती है कि एक छोटी बच्ची नंगे पांव रात में अकेली घूम रही है, ये अब्यूज नहीं है तो और क्या है। बच्चे को नेगलेक्ट करना भी अब्यूज होता है। यूरी पुलिस वाले और किम जंग के साथ उस लेडी मिस यांग के घर जाती है। यांग पागलों की तरह चिल्लाती हुई उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी, पर वो लोग अंदर घुसते हैं और किम जंग देखता है कि उस दूसरी बच्ची को एक छोटे से अलमीरा में बंद करके पनिश किया जाता था। यांग चिल्लाती हुई कहती है कि उसने कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। पता चलता है कि उस बच्ची का नाम सुया था और वो 2 दिन से घर से गायब थी। पुलिस वाले सुया की छोटी बहन को उसके डैड के पास भेजने की बात कर रहे थे। यांग यूरी पे चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है और चाकू लेकर उस पर अटैक करने आ जाती है, पर किम जंग उसे रोक लेता है और इस चक्कर में उसका हाथ भी थोड़ा कट जाता है। किम जंग अपने एक प्रोसिक्यूटर दोस्त को सुया के मिसिंग केस के बारे में पता करने के लिए कॉल करता है, तो उसका दोस्त उसे मिलने बुलाता है। किम जंग पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के कहने पे ही उसके दोस्त ने उसे बुलाया था। किम जंग के डैड उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वो उनकी कॉल्स तक नहीं ले रहा था, पर किम जंग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अब भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके डैड दोहान कंस्ट्रक्शन के साथ काम करते थे और वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने पे फिर उसका दोस्त मिस यांग के बारे में बताता है कि 3 साल पहले भी उसने सुया को अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो कुछ समय शेल्टर में भी रही थी, पर यांग सुधरने की बात करके फिर उसे अपने साथ ले गई थी। इधर सुया की बहन जिया यूरी के पास आती है और बताती है कि उसे पता है कि सुया कहाँ है, पर वो बताना नहीं चाहती क्योंकि वो घर आएगी तो फिर उसकी मॉम उसे बहुत मारेगी। इतना बताते हुए वो डर के रोने लग जाती है।
जिया फिर बताती है कि उसकी बहन एक अंकल के घर जाने वाली थी क्योंकि वहाँ उन्हें खाना भी मिलता था और कोई मारता भी नहीं था, पर वो अंकल बहुत दूर रहते थे। तभी यूरी को ध्यान आता है कि सुबह उसे अपना वॉलेट नहीं मिला था, तो वो समझ जाती है कि जरूर सुया ने लिया होगा। यूरी किमजंग को बताती है कि एक एरिया में उसका क्रेडिट कार्ड आखिरी बार यूज किया गया था। वो एरिया वही था जहाँ सुया फॉस्टर केयर में 6 महीने रही थी। वो अंकल उसके फॉस्टर डैड ही थे। यूरी और किमजंग पुलिस के साथ उस एरिया में हर तरफ सुया को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। वो लोग फिर वापस कैफे आते हैं तो देखते हैं कि सुया उनके फ्रिज से खाना चुरा रही थी। वो उन्हें देखकर भागने लगती है तो यूरी उसे रोकती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत डरी हुई थी। यूरी उसे किसी तरह बात करती है और सुया बताती है कि वो वापस इसलिए आई है क्योंकि उसे डर था कि उसकी ना रहने पे उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को भी मारेगी। उसकी बातें सुनकर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसको समझाती है कि वो उसे और जिया को वापस उसकी मॉम के पास कभी नहीं भेजेगी। फिर पता चलता है कि सुया की मॉम रोज रात बालकनी में उसे रखती थी और सबके सोने के बाद सुया खिड़की के थ्रू निकलकर कैफे वाली बिल्डिंग में आ जाती थी और वहां से यूरी और बाकी लोगों को देखकर उसे बहुत सेफ फील होता था। यूरी और किमजंग सुया को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहां उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसको लेने आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर यूरी किमजंग को हग कर लेती है, फिर कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। किमजंग कहता है, मैंने बोला था ना हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर जैसे हैं। तो यूरी उसे किस कर लेती है। किमजंग शॉक्ड रह जाता है पर फिर वो भी उसे किस कर लेता है। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।